पंजाब कांग्रेस वालों खेती कानूनों के विरोध वजो चंडीगढ़ में रोस विखावा किया गया। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ की अगवाई हेठ वड्डी गिनती वर्कर आगुआ विधायक मंत्रियों ने राज्यपाल का घिराओ कर जाना सी, पर उन्होंने बैरीगेड लगा के सैक्टर 17 के मटका चौक में रोक दिता गया। फिर कांग्रेस वालों सड़क उत्ते ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिता। इस मौके पुलिस के सख्त सुरक्षा प्रबंध किए हुए सन, वाटर कैनन तैयार बर तैयार सी। उत्थे ही इस मौके पर सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों नूं तबाह करन ते तुली हुई है। खेती कानूनों का वड्डी पद्धर ते विरोध जारी है, पर मोदी सरकार मैना मानू वाली रट लगा के चली है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस दौर में जदों लोगों की आवाज़ केंद्र सरकार तक ना पहुँचे तो जमहूरियत कदर कीमतों का घाण होता है। लोकतंत्र का वायरस, लोकतंत्र का जो वैक्सीन था वो लगाने जा रहे थे। अहंकार का जो वायरस सरकार के अंदर घुसा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए ये लोकतंत्र का जो टीका है, ये शहीद भगत सिंह, सरदार ऊधम सिंह, लाला लाजपत राय और लाखों हमारे आज़ादी गुलाटियों ने अपनी जान कुर्बान करके हमें ये लेके दिया है। भी जहाँ कहीं भी अहंकार के साथ टकराओ, चाहे अंग्रेज़ों का अहंकार था, चाहे आज मोदी साहब की सरकार का अहंकार है, उसके लोकतंत्र का टीका लगाओ। तब तक लगाते रहो जब तक कि सरकार का अहंकार नहीं टूटता और लोगों की बात नहीं सुनते। उसी तरह हमारा ये विरोध जो है शांतिपूर्वक उस दिन तक चलता रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते। सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई उसके पहले एक सदस्य है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बाहर हो गए। किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आज भी बातचीत जो है केंद्र के साथ जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, 10 बैठकें हो चुकी हैं, 10 बैठकें कमेटी का कोई औचित्य नहीं था। जब कमेटी बनने का कोई कारण नहीं था, कमेटी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये मसला जो है सरकार की गलतियां, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये कानून ही सारी समस्या का जड़ है। अगर मोदी साहब की सरकार के अंदर थोड़ी बहुत गैरत या इज्जत होती तो मैं समझता हूँ उसी समय काले कानून वापस ले लेते। जैसे कहते हैं ना कि शर्मसार आदमी को, इज्जतदार आदमी को तो चुड़ू भर पानी काफ़ी है डूब मरने के लिए, परंतु बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है। अपने गले से समस्या निकाल के कमेटी की आड़ लेना चाहते हैं। कमेटी का कोई औचित्य नहीं है, ये सरकार को काले कानून लेने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ मान साहब ने इस कमेटी से अलग होकर ये साबित कर दिया है कि देश के अंदर लोगों में अभी भी एक लाख जिंदा है, उनका ज़मीर जिंदा है और हर एक कोई आदमी बिका हुआ नहीं है। ये सरकारी कमेटी के बाकी सदस्य जो हैं तीनों को भी मान साहब की सीख लेके इस कमेटी से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। पार्टी का अगला कार्यक्रम क्या रहने वाला है? हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। मैंने पहले दिल से कह रहा हूँ कि जब ये संघर्ष चालू हुआ था मैंने उसी दिन किसान जत्थेबंदियों से दो दफ़ा जब हमारी मीटिंग हुई है सीएम साहब की सदारत के अंदर, उसमें मैंने कहा था ये संघर्ष लंबा चलेगा, क्योंकि अहंकार से लिप्त ये सरकार जिसने जिस तरह से सिटीजनशिप एक्ट लेके आए हैं, जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी की, जिस तरह से GST लागू किया है, इसके दिमाग के ऊपर सत्ता की चर्बी चढ़ी हुई है। ये जल्दी से मानेंगे नहीं, पर मानेंगे जरूर। अंत में जीत जनता की होगी, जनता जीतेगी, किसान जीतेगा। इस अहंकार को 26 जनवरी का ऐलान किया ट्रैक्टर मार्च का, तो क्या कोई ऐसा कार्यक्रम पंजाब के अंदर कांग्रेस की तरफ से कोई कुछ ऐसा? देखिए, हमारा पूरा सहयोग है, पहले दिन से ही हम किसान जथेबंदियों के हर इस मसले में उनके समर्थन में भी खड़े हैं और हमारा अपना प्रयास भी जारी रहेगा कि ये काले कानून वापस लिए जाएं। सबसे पहले इस मसले को लेके पंजाब में अलख जगाई थी, राहुल जी भी आए, कैप्टन साहब ने भी चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, रेजोल्यूशन पास किया, कानून बनाए और हमारी लड़ाई निरंतर चलती रही। कैप्टन साहब ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर हमारी पूरी तैयारी, क्या पार्टी या सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की जाएगी? देखिए, सारे कानूनी पहलुओं को देख के हम मोदी साहब वाली जो है उस अहंकार में नहीं डूबे हुए। जिस तरह से उन्होंने वो काम किया, कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है जिसे किसान स्वीकार नहीं कर रहे, किसान जत्थेबंदियां भी कोर्ट के में जाने के खिलाफ हैं। हम सारी बातों को ध्यान में रख के फैसला लेंगे। हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि किसान के हितों का नुकसान हो। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि ये कानून ही मोदी साहब के कानून ही समस्या की जड़ है, तब ये जब को जड़ से निकालना हम सबका दायित्व है और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं निकालेगी, हमें निकालना पड़ेगा। मोहाली तो हरजीत मठाड़ू की रिपोर्ट।